हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षवर्धन साइंस सीरीज। आप सभी को, मेरे यूट्यूब परिवार को, मेरी ओर से हार्दिक नववर्ष की हार्दिक बधाइयां। तो इसी नववर्ष हम एक नई वीडियो के साथ हमारा आगाज करेंगे, जिसका नाम है कार्डियक अरेस्ट। आज हम कार्डियक अरेस्ट, जो कि एक मेडिकल डिजीज है, मेडिकल कंडीशन है, उसके ऊपर हम आज कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। कार्डिक अरेस्ट एक ऐसी डिजीज है, हम बोल सकते हैं इसको, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, इसका जो मतलब है वो इसके नाम में छुपा हुआ है। कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक मींस हार्ट एंड अरेस्ट मींस एट रेस्ट। तो हम बोल सकते हैं हार्ट एट रेस्ट। अच्छा, हार्ट का फंक्शन हम सबको पता ही है कि हार्ट क्या करता है, हमारी पूरी ब्लड बॉडी के अंदर क्या करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड करता है। ठीक है, अब वो जो पंपिंग ऑफ ब्लड होती है वो किसके द्वारा की जाती है, या हम बोल सकते हैं कि जो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे हार्ट के जो पंपिंग एक्शन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो कि हार्ट इटसेल्फ या हार्ट के मसल्स जो होते हैं इटसेल्फ क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो हम यूं बोल सकते हैं कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। हार्ट के मसल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, उन मेंटेन करते हैं हार्ट बीट को। तो कार्डियक एट रेस्ट मींस हार्ट एट रेस्ट। हार्ट का मेन फंक्शन होता है टू बीट, हार्ट बीट करता है तभी वो क्या करता है, उसका पंपिंग एक्शन शो कर पाता है। बट कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होगा, वो अपनी कार्डियक जो बीट होती है, अपनी जो हार्ट बीट होती है, वो सडनली एकदम से क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक बहुत अलग अलग टर्म्स है। हार्ट अटैक, जैसे कि हम बात करें हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक के अंदर बहुत लंबे टाइम से अगर हम ऑयली फूड ले रहे हैं, या हमारी लाइफ स्टाइल वगैरह अगर सेडिमेंटरी लाइफ स्टाइल है, या हम ज्यादा कोलेस्ट्रोल युक्त फूड ले रहे हैं अपने डाइट में, तो क्या होता है, हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज जो कि क्या करती है, हमारे हार्ट के मसल्स को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो उन कोरोनरी आर्टरीज में एक तरीके की सब प्लेक, एक वर्ड कॉमन टर्म है, प्लेक, प्लेक इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी जो कोरोनरी आर्टरी से जो कि ब्लड के मसल्स को ब्लड पंप कर रही है, ठीक है, वो बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो पंपिंग एक्शन होता है वो रुक जाता है और हार्ट जो होता है वो आगे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। तो वो तो हुआ हार्ट अटैक, जिसके अंदर हार्ट बीट नहीं रुकती। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में, ये हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर में ये डिफरेंस है कि हार्ट अटैक में हार्ट बीट नहीं रुकती, जबकि कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट क्या होती है, रुक जाती है। किसके कारण, कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस के कारण जो कि डेवलप होती है हमारे इटसेल्फ हार्ट में। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, एबनॉर्मली एंड फाइनली सीसेशन ऑफ हार्ट बीट। एबनॉर्मली, सबसे पहले तो एबनॉर्मल हार्ट बीट होगी और लास्ट में क्या होगा, सीसेशन ऑफ हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस इन हार्ट। हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी जो हार्ट बीट है सबसे पहले तो वो एबनॉर्मल हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, और लास्ट में क्या हो गई, स्टॉप हो गई बीट करना। ठीक है, तो ये एक हमारी कार्डियक अरेस्ट एक मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ इसके कॉज देखते हैं कि हमारी हार्ट बीट स्टॉप क्यों होती है, या हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जो हमारे हार्ट में डेवलप हुए हैं वो क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहले अगर हम कॉज देखें कार्डियक अरेस्ट के, तो फर्स्ट कॉज जो है वो है इसका डिसअरेथमियास। डिसअरेथमियास अपन को ये टर्म जो है, जो जूनियर क्लासेस के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो टर्म है आपको थोड़े टिपिकल लग रहे होंगे, बट इनका अगर एक बार मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा ये टॉपिक। डिसअरेथमियास, डिसअरेथमिया मतलब क्या होता है, जो हार्ट ने पहले अपनी एक रिदम मेंटेन कर रखी थी। हम सबको पता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो एवरेज 72 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में वो कितनी बार बीट करता है, 72 बार हमारा हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। ठीक है, तो हार्ट ने अपनी क्या एक पेस बना रखी है, एक रिदम बना रखी है कि भाई हमें उसे एक मिनट में ओनली 72 टाइम्स, या अगर हम एवरेज या हम इसकी रेंज की बात करें तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट, इसी रेंज में उसको बीट करना है। बट इस डिसअरिथमियास में क्या होता है, जो हार्ट की रिदम होती है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट बीट फाइनली जब क्या हो जाती है, हमारी हार्ट बीट रुक जाती है। तो
फर्स्ट जो कॉज है हमारा इसका है वो डिसअरिथमियास, ठीक है, मतलब रिदम जो है उसमें अब चेंज हो गया, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। अब डिसअरिथमियास में फर्स्ट हम देख सकते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। देखिए हमारा सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो हमारा हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट हमारा पंप कर पा रहा है, उसके पीछे कौन है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो कि पूरे हार्ट में क्या कर रही है, एक चैम्बर से बोल सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह इंपल्स पहुंच रही है, ठीक है। तो हम अगर बात करें कि सबसे पहले जो हार्ट हमारी जो इंपल्स होती है, ठीक है, वो हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर जनरेट होती है, किसके द्वारा, साइनो एट्रियम नोड के द्वारा। तो हम ये इस टॉपिक के ऊपर हम बाद में जाएंगे कि कैसे इसका एक कंडक्शन सिस्टम बहुत पूरा अलग टॉपिक है, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये भी दिमाग में रखना है कि हार्ट के अंदर क्या होती है, एक जगह राइट एट्रियम जो फर्स्ट चैम्बर होता है इसका, उसके अंदर सबसे पहले इम्पल्स जनरेट होती है, वहां से इम्पल्स हमारे दूसरे पार्ट्स में जाएगी, हार्ट के दूसरे पार्ट्स में जाएगी। अब जैसे कोई भी इम्पल्स हार्ट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगी, ठीक है, तो वो हिस्सा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो हिस्सा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, और जिससे कि क्या होगा, हमारा जो ब्लड होगा वो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या हुआ कि एट्रियम ने तो कॉन्ट्रेक्शन कर लिया, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि इंपल्स सबसे पहले वही जनरेट हुई, तो दोनों एट्रियम तो क्या थे, दोनों जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो थे वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारी जो इंपल्स थी वो मूव करी, फॉरवर्ड करी आगे हमारे वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्डियक अरेस्ट होने का मेन कारण क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, ऊपर से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आई वो भी कैसे है, डिस्टर्ब्ड आई, जो पहले रिदम में आ रही थी अब वो नहीं है, ऊपर से रिदम बिल्कुल अरिदमेटिकली आई है, तो क्या होगा, नीचे जो वेंट्रिकल्स में जो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी वो भी कैसी आएगी, हमारी वो भी हमारी इम्बेलेंस आएगी, हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो कैसे आएगी, डिस्टर्ब आएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे वेंट्रिकल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय, कॉन्ट्रैक्ट ना होके वो बहुत फास्ट फास्ट, हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल बहुत फास्ट फास्ट वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, ठीक है, मतलब ना तो अच्छे से कॉन्ट्रेक्शन होगा ना रिलैक्सेशन होगा, बहुत फास्ट मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रेक्शन को देखने का नहीं मिलेगा, और कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो वो ब्लड जो होगा वो आगे मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब क्या हो गया, और हम जब इसको ECG पे देखेंगे तो हमको जो वेव होगी, हार्ट की जो वेव बनती है वो हमको इम्प्रॉपर वेव बनेगी, ठीक है। सेकेंड हम बात करें ब्रैडीकार्डिया, हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब होता है कि जो हमारी पल्स है, जो हमारी हार्ट बीट है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाना, अप टू 180 बीट्स पर मिनट, वो जाता है टैकीकार्डिया। और अगर हम बात करें, अगर हमारी हार्ट बीट 60 से भी लो हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैडीकार्डिया। तो अगर आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी हार्ट बीट 60 से भी कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा हार्ट का फंक्शन लूज हो जाएगा, हार्ट फंक्शन लूज होगा मतलब वो पंपिंग नहीं कर पाएगा, और पंपिंग नहीं होगी तो ऑर्गन्स तक, हमारे जो मेन ऑर्गन्स है ब्रेन लीवर वगैरह इन तक और ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और उसके आगे हमको फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ब्रैडीकार्डिया भी जो होता है वो भी क्या एक कॉज है, किसका, कार्डियक अरेस्ट का, क्योंकि ब्रैडीकार्डिया मतलब हो रहा है धीरे धीरे हमारी बीट धीरे होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हार्ट बीट हमारी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, हार्ट हमारा बीट करना बंद कर देगा, तो पंपिंग एक्शन भी हार्ट का बंद हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में थर्ड एक इसका पढ़ते हैं, असिस्टोल, इसका मतलब होता है सीसेशन ऑफ हार्ट बीट या नो हार्ट बीट, अब्सेंट हार्ट बीट, ये होता है हमारा असिस्टोल। तो आपको ये समझ में आया डिसरिथमिया मतलब क्या हुआ था, क्या बताया था मैंने कि हमारे जो हार्ट जो पहले रिथमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा था वो अब बिगड़ चुकी है उसके रिदम, हमने तीन कॉज देख लिए। उसके बाद सेकंड कॉज हम देखिए हार्ट अटैक, ये भी देखा गया है कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स में, ऐसे पेशेंट्स जिनको पहले फ्यूचर में जो जिनको पहले पास्ट में हार्ट अटैक आया था, ठीक है, उसके कारण हार्ट अटैक आने के कारण क्या हुआ था, जो हार्ट के अंदर कहीं ना कहीं डैमेज हुआ था उसके कारण भी हमारे जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई थी वो डिस्टर्ब हुई थी, हार्ट अटैक के पेशेंट को भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा और भी हमारे इसके कॉज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, मैंने इसमें मेन मेन कॉज इंक्लूड किए, ठीक है। तो ये हमारा डिसरिथमिया हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, ऐसी हार्ट डिजीज जो जब हम एट बर्थ से हमको है, ठीक है, हार्ट में कोई, हार्ट के मसल्स में कोई अबनॉर्मलिटी है, ठीक है, हार्ट के जो इलेक्ट्रिक इंपल्स फॉर्म करता है उसके अंदर ही कोई ना कोई, या तो वही एब्सेंट हो या उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो एक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है। एक बिग हार्ट भी बोल सकते हैं हम, या लार्ज साइज ऑफ हार्ट, ये भी देखा गया है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका हार्ट नॉर्मल से एवरेज से ज्यादा है उनको भी
कार्डियक अरेस्ट होने के चांस ज्यादा है। मैं बार बार बता रहा हूं, कार्डियक अरेस्ट मींस स्टॉप हार्ट बीट, हार्ट बीट हमारी क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, जबकि हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक में हमारी हार्ट बीट बंद नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉज हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स की, कि ऐसे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है जिसके कारण हमको कार्डियक अरेस्ट होने के चांस ज्यादा है। तो जैसे कि बहुत कॉमन कॉमन रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ठीक है, और सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी। अपन को ये चीज पता ही है कि ज्यादा जो ओबीस लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनको हार्ट रिलेटेड डिजीज होना बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, और फिर जेंडर की बात करें अगर हम, तो फीमेल्स के मुकाबले मैन को कार्डियक अरेस्ट की जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, वो ज्यादा देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम एज की बात करें, तो एज भी मेल में ओवर 45 एज होने के बाद में कार्डियक अरेस्ट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। एंड फीमेल्स में क्या होता है, ओवर 55 एज की जितने भी फीमेल्स हैं उनको कार्डियक अरेस्ट होने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और फिर हम बोल सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है अगर ये जो अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी रख रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण हमको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, कि कार्डियक अरेस्ट अगर हुआ एकदम, ठीक है, तो क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा तो उसके उस पर्सन के अंदर हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीजें, डिक्रीज पल्स, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट। अभी आपको मैंने बताया हार्ट बीट धीरे धीरे क्या हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है, धीरे धीरे बंद हो जाएगी, तो लास्ट में ये कंडीशन जो होगी वो बिल्कुल लो हो जाएगी। ब्लड अगर पल्स ही नहीं चलेगी, हार्ट बीट नहीं करेगा, तो ब्लड प्रेशर भी लो ही होगा, ब्लड प्रेशर भी लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिक्रीज पल्स, पल्स मींस वही हार्ट बीट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। रेस्पिरेटरी ग्रेस्पिंग, रेस्पिरेटरी ग्रेस्पिंग मतलब हम समझ सकते हैं कि इनएबिलिटी टू ब्रीथ, या हम बोल सकते हैं उसको बहुत ज्यादा, उस पर्सन को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्या, सांस लेने में। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हार्ट ने बीट करना बंद किया है, हार्ट ने बीट करना बंद किया है तो पंपिंग एक्शन भी बंद हुआ है, और पंपिंग एक्शन बंद हुआ है तो ऑर्गन्स तक क्या हो रहा है, ब्लड नहीं जा पा रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो लंग्स के पास भी नहीं जाएगा, जिसके कारण सांस लेने में भी हमको बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, अनकॉन्शियस हो ही जाएगा। वो बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर हार्ट हमारा पंप करना बंद करता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस होगा ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास नहीं पहुंच रहा। प्यूपल्स डायलेट हो जाएगी, ये भी देखने को मिला है कि अगर ऑक्सीजन, अगर हमारे ब्लड सप्लाई अगर हमारी आईज को भी बंद हो जाती है, तो हमारी जो प्यूपल्स होती है, ठीक है, जो लाइट रे को अंदर आने देती है, आई की जो प्यूपल्स होती है वो भी कैसे हो जाती है, डायलेट हो जाती है, कैसे हो जाती है, डायलेट। पेन एंड साइनोसिस स्किन, अगर हम उस पेशेंट को जिसको कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हुई है, उस पेशेंट की अगर हम स्किन देखेंगे तो पेन दिखेगी हमको, साइनोस्ट मिलेगी, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन या ग्रेइश डिस्कलरेशन हो जाएगा उसकी स्किन का, नेल्स फिंगर्स वगैरह। एंड लास्ट में बात करते हैं हम सीजर्स का, सबसे जो मेन इफेक्ट पड़ेगा कार्डियक अरेस्ट का, वो पड़ेगा हमारे ब्रेन पे, और 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा ब्रेन इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी के उसका कॉज बन सकता है। इसका मतलब शुरू के 3-4 मिनट में जैसे कार्डियक अरेस्ट आया हमको, तो क्या हुआ कि शुरू के 3-4 मिनट के अंदर ही ब्रेन को इंजरी होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसलिए क्योंकि उसको कंटिन्यूस किसकी ब्लड की, उसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ब्लड सप्लाई जैसी ब्रेन पे रुकी तो क्या होगा, ब्रेन इंजरी होने लग जाएगी। तो अगर शुरुआत में ही हमको इसलिए क्या करना चाहिए, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को, अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, तो जल्दी से जल्दी हमको उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट की, और बहुत सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है, ये जितने भी सिम्टम्स हमने देखे, ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह, बहुत फास्ट रेट से ही लोग होते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजें जीरो हो जाती है। ठीक है, और सीजर्स, सीजर्स मैंने बताया ब्रेन जो होगा हमारा वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, और उसके अंदर, इसके अंदर ब्रेन भी, हम ब्रेन के अंदर भी हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस हो जाएगी। ठीक है, सीजर्स इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस इन ब्रेन। ओके, ये कुछ साइन सिम्टम्स थे जो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, कि ऐसा पेशेंट जिसको अभी कार्डियक अरेस्ट हुआ ही है, ठीक है, तो सबसे पहले जो इमीडिएट केयर होनी चाहिए, सबसे पहले हमको उसको सीपीआर देना चाहिए, बहुत कॉमन टर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसका एक पूरा अच्छा बड़ा टॉपिक है जो कि हम अपनी लेटर की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में क्या होता है, हमको
उसके पेशेंट की, जो भी पेशेंट है उसकी चेस्ट पे कंप्रेशंस करने चाहिए, ठीक है, एंड उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग भी देनी चाहिए जब तक उसको कोई मेडिकल हेल्प, मेडिकल केयर नहीं मिलती। उससे क्या हो सकता है, इस सीपीआर देने से उसकी जो हार्ट की बीट है वो वापस आ सकती है, या हम बोले जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हुआ था हार्ट में वो वापस नॉर्मल हो सकता है, अरिथमिया रिदम में कन्वर्ट हो सकता है। क्या देने से, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। और ये कैसे दिया जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बस इसमें हमको अभी ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमको अपने हाथों से कंप्रेशंस देने पड़ते हैं और हमको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देनी पड़ती है, ठीक है। और सेकंड, सबसे पहले हमने इमीडिएट केयर में सीपीआर दिया उसको, और डिफिब्रिलेशन जब उनको उसको मेडिकल, जब उनको मेडिकल हेल्थ केयर उसको मिल जाती है तो डिफिब्रिलेशन में क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, सबने देखा होगा मूवीज वगैरह में, ठीक है, आयरन बोलते हैं उसको, दोनों आयरन से उसके चेस्ट की वॉल जो होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक उसको शॉक दिए जाते हैं, ताकि क्या हो, ताकि सबसे पहले जो हमारी डिसरिथमियास थी, जो हमारी हार्ट ने अपनी रिदम खो दी थी, वो वापस कैसे हो जाए, नॉर्मल हो जाए। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम हार्ट को शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, तो सबसे पहले जो डिसअरिथमियास थी, जो हमारी रिदम मेंटेन नहीं थी, वो डिसरिथमिया हो चुकी थी, वो सबसे पहले हमारे हार्ट बीट जीरो हो जाती है, हार्ट बीट करना बंद करेगा, उसके बाद कहीं जाके वो वापस अपने नॉर्मल रिदम पकड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चले दिया सीपीआर, या हम खुद भी, मैं मानता हूं कि सब आजकल हर बोल सकते हैं हर इंडिविजुअल को ये सीपीआर की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो लेनी चाहिए, ताकि हम किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में किसी को भी सीपीआर दे सके। और ये भी देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को हैंड टू हैंड उसी टाइम सीपीआर मिला है, उनके अंदर जो सर्वाइवल रेट थी वो 2 से 3 गुना बढ़ गई, ठीक है। तो ये इमीडिएट केयर में आ गया। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें कि कोई पेशेंट अगर कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट अगर बच गया है, ठीक है, तो उसके बाद उसको ड्रग्स चलेगी जिसके अंदर एंटी अरिथमिक ड्रग्स होगी जो हार्ट की रिदम को मेंटेन करेगी। इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर, ये एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस होता है, ठीक है, ये हमारे कोलर बोन के ऊपर लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, फिट किया जाता है। तो ये जो डिवाइस होता है हमारा इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर, ये क्या करता है, हमारी जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम है, अगर हमारी हार्ट की रिदम वापस एबनॉर्मल हो गई है, तो ये उसको डिटेक्ट करता है और वापस उस एबनॉर्मल हार्ट रिदम को रिदम में ले आता है। ये करता है हमारे इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। हमारा जो थर्ड इसका ट्रीटमेंट है वो होता है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। सबने सुना होगा कि हमारे जो, देखो मैंने कोज आपको बताया था इसका, कार्डियक अरेस्ट का हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में मैंने आपको क्या बताया था, जो ब्लॉक्ड आर्टरीज होती है, वो आर्टरीज जो कि हार्ट को ही सप्लाई कर रही है ब्लड का, वो आर्टरीज क्या हो जाती है, पूरी ब्लॉक हो जाती है, किससे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से, ठीक है। तो हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है, एक कैथेटर के फॉर्म में, कैथेटर की हेल्प की मदद से एक बैलून सा स्ट्रक्चर इंसर्ट किया जाता है, उसको वापस इन्फ्लेटेड, वहां पे इन्फ्लेटेड किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो आर्टरीज होती है जिसके अंदर प्लेक जमा हो गया है, वो जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, वो क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर लगने से वो जो वापस आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज होती है, वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है और ब्लड फ्लो वापस नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है। तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर डाला जाता है, स्टंट बोला जाता है उसको, और उसके ऊपर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, ठीक है। तो उससे भी क्या कर सकते हैं, हम हार्ट अटैक को या फिर हम कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें डायग्नोसिस, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन को हम डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था, तो सबसे पहले हम बात करें ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारी एबनॉर्मल हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी या हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस थी हार्ट के अंदर, ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, कौन, हमारा ईसीजी। और एक जो नॉर्मल हार्ट की वेव होनी चाहिए थी, ठीक है, जो नॉर्मल हार्ट की इलेक्ट्रिकल वेव होनी चाहिए थी, उससे वो वेव जो कार्डियक अरेस्ट पेशेंट में आई है वो कितनी चेंज है, या हम बोल सकते हैं कि उन वेव्स के आधार पे, उस इस इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस के वेव को देखने के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि हमको कौन सी मेडिकल कंडीशन हुई है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो गया, कुछ ब्लड टेस्ट भी हमको करने पड़ते हैं, जैसे सोडियम वगैरह, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनके लेवल वगैरह चेक करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि हार्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इमेजिंग टेस्ट, हार्ट की इमेज लेना, ठीक है। तो इमेजिंग टेस्ट में क्या क्या पड़ा हमने, चेस्ट एक्सरे किया जाता है ताकि हार्ट का शेप एंड साइज वगैरह पता लगाया जा सके, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, ये भी हमारा ये बेस होता है हमारे किस पे, साउंड वेव पे, ठीक है। एक साउंड वेव भेजी जाती है जिसके कारण, जिससे क्या होता है, हमारी एक हार्ट की हमको पूरी इमेज दिखती है, जिसके अंदर हमको ये पता लगता है कि हार्ट का डैमेज कहाँ से हुआ है और कितना हुआ है, ठीक है। तो इकोकार्डियोग्राम की हेल्प से ये भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हम एक और इमेजिंग टेस्ट है न्यूक्लियर स्कैन। न्यूक्लियर स्कैन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, एक इसमें न्यूक्लियर हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाला जाता है हमारी बॉडी में, या हम बोल सकते हैं हमारी आर्टरीज में ब्लड के अंदर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, बेरियम होता है शायद, बेरियम लेते हैं जनरली हम, ठीक है। तो वो इंसर्ट किया जाता है हमारी आर्टरीज के अंदर, और फिर क्या होता है कुछ स्पेशल कैमराज से हम उसको, उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम देखते हैं। तो इसकी मदद से हमको ये पता चलता है कि हमारी आर्टरीज के अंदर कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, और फिर उसकी मदद से हम यहाँ पे जो हमने मैंने आपको बताया था अभी कि जहां जहां ब्लॉकेज होगा वहीं पे हम क्या करेंगे, वो रोड शेप स्ट्रक्चर बैलून वाला वो डालेंगे, ताकि क्या हो, वो आर्टरी वापस ओपन हो जाए, ठीक है। तो न्यूक्लियर स्कैन हमारी ये हेल्प करता है। कोरोनरी कैथेटराइजेशन भी कुछ इसी प्रकार का है। इसके अंदर क्या होता है, हम एक लिक्विड डाई इंसर्ट करवाते हैं हमारी ब्लड के अंदर, ठीक है। लिक्विड डाई इंसर्ट करवाते हैं और फिर उसकी एक्सरे इमेजिंग की जाती है। तो लिक्विड डाई जो जहां जहां पे भी उसका ब्लॉकेज होगा वो हमको इसको देखने को मिलता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। कार्डियक अरेस्ट मैंने आपको बताया, कार्डियक एट रेस्ट, हार्ट एट रेस्ट, हार्ट स्टॉप हो जाता है बीट करना, फिर क्या होता है जो पंपिंग एक्शन होता है वो अफेक्ट होता है। जबकि हार्ट अटैक में क्या होता है कि हम बात करें कि जो हमारा हार्ट होता है उसके पास जब तक ऑक्सीजन है जब तक वो बीट करता रहेगा। जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है और हार्ट को एक बॉडी में से निकाला जाता है तो वो हमारे डॉक्टर के हाथ में भी वो थोड़ी देर तक क्या करता रहता है, बीट करता रहता है। तो इसका मतलब ये हो कि हार्ट बीट रुकी नहीं उस टाइम पे भी। तो हार्ट अटैक में भी ऐसा ही होता है, बस आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, आगे ब्लड नहीं जा पाता, वो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट बीट ही बंद हो जाती है, हार्ट बीट करना बंद कर देता है। किसके कारण, ओनली ये कारण था हमारा इलेक्ट्रिकली डिस्टर्बेंस होने के कारण। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।